चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी अपने दो दिवसीय निजी दौरे पर अल्मोड़ा पहुंची। सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में 2016 से पूर्व की नियुक्तियों पर उठ रहे सवाल को लेकर स्पीकर रितु खंडूड़ी ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वो इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी। हरिद्वार में बैरागी कैंप क्षेत्र में गड्ढा खोदकर डाली गई लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां बरामद हुई हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गड्ढा खोदकर दबाई गई दवाएं सरकारी अस्पताल से लाई गई थी। देहरादून के मुख्य मार्गों पर हुए अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रही है। इसको लेकर लगातार राजधानी देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज राजधानी देहरादून के रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थम नहीं रहा है। देहरादून में हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए जांच पूरी होने तक परीक्षा ना कराए जाने की मांग की। सीएम धामी के निर्देश पर चमोली जिले के जोशीमठ में आई आपदा के लिए एक बार फिर हरिद्वार जिला प्रशासन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने 5 ट्रकों में राहत सामग्री रवाना की है, जिसमें पीड़ितों के लिए कंबल और खाने पीने का सामान इत्यादि शामिल है। साथ ही जिन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है उनके लिए विशेष राहत सामग्री रवाना की गई है, जिससे पीड़ित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पौड़ी जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस की धरपकड़ जारी है। कोटद्वार में दुगड़ा चौकी और SOG की टीम ने 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। देहरादून में ITBP के हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की कोशिश की है। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसकी हालत में स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आत्महत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों और मार्केट में काफी भीड़ रहती है। पर्व को लेकर पुलिस ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जहां काशीपुर में पुलिस ने कांवड़ियों के रूट का निरीक्षण किया, वहीं ऋषिकेश में पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाकर तैयार कर लिया।